हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। और इससे पहले आपने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 कंप्लीट कर ली होगी, और अगर नहीं की है तो आप पिछली वीडियोस की हेल्प से वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। और प्लीज़, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हमारा अब आज का टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट, और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताएंगे और एक्सरसाइज 4.4 को भी सॉल्व करेंगे। तो नेचर ऑफ द रूट्स हमें बताते हैं कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट की नेचर कैसी होगी, कि वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वेयर x इज द वेरिएबल एंड a b c आर रियल नंबर। रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं। तो हमें नेचर ऑफ द रूट निकालने से पहले हम यहाँ से d निकालते हैं। d क्या होता है? d होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट होता है कि एक इक्वेशन में वेरिएबल का रिलेशन, एक इक्वेशन में पॉलिनोमियल की जो एक इक्वेशन है उसके जो रियल नंबर से के रिलेशन से हमें ये पता लगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बारे में पता लगे कि वो निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, कि रियल है, इक्वल है या अलग अलग है, तो वो कहलाता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो हम इसकी हेल्प से हम इक्वेशन के जीरोस के बारे में पता, तो हम यहां से इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में पता करेंगे। अब यहां पर तीन कंडीशन है। अगर डी हमारा इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, मींस हमने बी स्क्वायर माइनस फोर सी निकाला और इक्वेशन में आ गया जीरो, तो यहां पर हमारे रूट्स रियल होंगे, मींस वास्तविक होंगे एंड इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब जो हमारा पहला रूट है वही हमारा दूसरा रूट होगा। बाय चांस अगर डी हमारा ग्रेटर देन जीरो आता है, मींस 1, 2, 3 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आ जाता है, तो वहां पर हमारे रूट रियल तो होंगे ही लेकिन साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होंगे, सेम नहीं आएंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन है हमारी डी लेस देन जीरो। तो यहां पर जब जीरो से छोटा आएगा ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वो वहां पर हमारा नो रियल रूट, रियल रूट ही नहीं आएंगे, क्योंकि अंडर रूट में हमारे आ जाएगा माइनस। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन है जिनकी हेल्प से हम इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में बताएंगे। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। पहले हम इस इक्वेशन के नेचर फाइंड करने हैं, इसके रूट कैसे होंगे, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मींस हमारे पास दो कंडीशन में रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, जब d इक्वल्स टू जीरो होता है या d इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो होता है, तब हमें इसके रूट भी फाइंड करने हैं। तो पहले हम इसका नेचर चेक करेंगे, उससे पहले हमें इसकी कंपेयर करनी होगी इसकी जनरल इक्वेशन से। तो कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से a इक्वल्स टू हो जाएगा 2, b इक्वल्स टू कोफिशियंट ऑफ x मींस माइनस 3 एंड c इक्वल्स टू 5। d निकालेंगे, d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर की वैल्यू, b की वैल्यू माइनस 3, माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो यहां से आ जाएगा माइनस का 31। अब ये माइनस का नंबर है तो जीरो से छोटा होगा, तो यहां पर जब रूट इसके कैसे हो जाएंगे, नो रियल रूट। और जब रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हम फाइंड क्या करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3x एंड प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम लिखेंगे कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देन ए इक्वल्स टू हो जाएगा 3, बी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 3 एंड सी इक्वल्स टू हो जाएगा 4। अब डी फाइंड करेंगे, डी इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर होगा, जबकि बी की वैल्यू माइनस थ्री है, माइनस फोर, ए की वैल्यू थ्री एंड सी की वैल्यू फोर, स्क्वायर कर दें तो फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा हमारा थ्री, माइनस फोर थ्री जो हो जाएगा 12 और 12 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 एंड रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और इससे हम करेंगे तो 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 48, तो यहां पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0। तो 0 पे बताया था कि एक कंडीशन होती है, अगर d इक्वल टू 0 आता है तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं। तो अब हमारे पास d तो आ गया, इस मींस रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अब एग्जिस्ट करेंगे तो हम यहां पर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यूज इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे हम तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, माइनस बी, बी की वैल्यू है माइनस फोर अंडर रूट थ्री, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जब किसकी वैल्यू आई है जीरो, अपॉन टू और ए की वैल्यू है थ्री, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फोर अंडर रूट थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई थ्री, यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं टू टू जा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास टू अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री। तो इसमें बताया था कि जब d इक्वल्स टू जीरो होते हैं तो इक्वल रूट्स दो आते हैं, तो पहला भी टू अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री आएगा और दूसरा भी टू अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री आएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर सकते हैं इसका, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री। तो क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर ये इक्वेशन इक्वल रूट रखती है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों केस में। अब इक्वल रूट तब होते हैं जब b की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, जीरो आता है। तो हम यहां से पहले कंपेयर करेंगे विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिससे कि हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ सके। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b हो जाएगा हमारे पास k और c इक्वल्स टू 3। Since equation have equal root, equation has a equal roots, तो d equals to हो जाएगा 0। अब d की वैल्यू होती है b square minus 4ac equals to 0, b की वैल्यू है k तो k square minus 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो यहां हो जाएगा k square 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और इसे राइट हैंड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो यहां से स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस का। अब जितना हम यहां से स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं उसे बाहर निकाल लें, 24 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 6 और 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो यहां से हमारे पास k की दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस का 2 अंडर रूट 6 और माइनस का 2 अंडर रूट 6। सेकेंड पार्ट है, अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही है लेकिन हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, kx के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो कंफ्यूजन में ना रहे, इक्वेशन को सॉल्व जरूर कर लें। इसके बाद फिर कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2k और c की वैल्यू आ जाएगी 6। d इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो d इक्वल्स टू 0, इट इंप्लाइज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू है माइनस का 2k स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 0, इट इंप्लाइज 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर और 4 6 हो जाएगा 24k इक्वल्स टू 0। दोनों जगह से हम यहां से 4k कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा k और यहां बचेगा 6, तो एक हम वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं
4k = 0, देन k = 0, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी k-6 = 0, देन k = 6। तो यहां से हमारी k की दो वैल्यू हो जाएंगी 0 and 6। थ्री पर आते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, तो लेट ब्रेथ इक्वल्स टू एक्स, देन लेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा 2x। इसका ट्वाइस दे रखा है और इसका एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल्स टू होता है 800 मीटर स्क्वायर, सॉरी दे रखा है, एरिया इक्वल्स टू होता है, और ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एल इंटू बी इक्वल्स टू 800। लेंथ है हमारे पास 2x एंड ब्रेथ है हमारे पास x इक्वल्स टू 800। अब यहां से 2 जो है वो 800 के अपॉन में चला जाएगा और x इंटू x हो जाएगा x स्क्वायर 800 अपॉन 2, और इसे कैंसिल कर दें तो हो जाएगा 400। अब यहां से अगर स्क्वायर हटेगा तो 400 पे चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट, और 400 होता है हमारा 20 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास x इक्वल्स टू आ जाएगा 20, प्लस माइनस दोनों का आएगा, लेकिन माइनस की वैल्यू है लेंथ हम लेंगे नहीं, इसलिए ब्रेथ भी नहीं लेंगे माइनस की, इसीलिए हमने प्लस का लिया है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू दो आएंगे निकल के प्लस माइनस 20। तो लेंथ जो हमारी ब्रेथ है वो 20 हो जाएगी, एंड लेंथ हो जाएगी हमारे पास 2 × 20, दैट इज 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल डिटरमाइन देयर परसेंटेज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स और 4 इयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। तो दोनों की एज का सम दे रखा है 20, तो हम फर्स्ट की एज मान लें, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू एक्स, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड हो जाएगी, जब दोनों की एज का सम 20 है तो अगर एक एक्स है तो दूसरा हो जाएगा 20 - x। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 चल रहा है। 4 इयर्स एगो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 4 इयर्स एगो दोनों की एज का प्रोडक्ट था 48। 4 इयर्स एगो अगर इसकी एज अभी x है तो 4 इयर्स एगो हो जाएगी x - 4। सेम एज इसकी हो जाएगी 20 - x - 4 = 48। सॉल्व कर ले इसे, x - 4 और ये हो जाएगा 20 - 4 हो जाएगा 16 - x = 48। सॉल्व कर ले मल्टीप्लाई करके, x into 16 = 16x, x into x = 16, 4 = 64, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4x। माइनस के 48 को हम लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x हो जाएगा 20x, और माइनस का 64 माइनस का 48, इन दोनों को ऐड कर लें तो 8 और 5 हो गया, 8 और 4 हो गया 12, 6 और 4 11। क्योंकि ये माइनस का है इसलिए प्लस करने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का, और माइनस का 112 हो जाएगा प्लस का इक्वल्स टू 0। अब 112 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 20 आ जाए, तो हमें फैक्टर करने में टाइम खराब ना करके यहां से डी निकाल लें। डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू है यहां से माइनस का 20 माइनस 4, और ए की वैल्यू है कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज 1, सी की वैल्यू है 112। 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 400 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 448, और माइनस करेंगे 48 आ जाएगा जो कि लेस देन 0 है। तो ये जो कंडीशन है हमारी, ये हमारी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहां से एज फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ।
तो हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेंथ फाइंड करनी है जिसका पैरामीटर है 80 और इसका एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो लेट हमने लेंथ को मान लिया एक्स मीटर, गॉट इट। इसके बाद पैरामीटर का फॉर्मूला है, पैरामीटर इक्वल्स टू वैल्यू दे रखी है इसमें 80 मीटर। अब पैरामीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 80। अब हमारे पास हमने लेट कर लिया है, लेंथ को हमने माना है x प्लस ब्रेथ को हमने वैसे ही छोड़ दिया है इक्वल्स टू 80। इस 2 से 80 को कैंसिल कर दें, बचेगा 40। अब ब्रेथ इक्वल्स टू हो जाएगा ये प्लस का x बराबर में जाके हो जाएगा माइनस का 40 माइनस x। अब एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है l इंटू बी इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। इट इंप्लाइज लेंथ को हमने माना है x और ब्रेथ को माना है 40 माइनस x इक्वल्स टू 400। सॉल्व कर लेंगे इसे, x इंटू 40 हो जाएगा 40x माइनस x इंटू x, x स्क्वायर इस 400 को लेके आ जाएंगे इधर माइनस का हो जाएगा। इट इंप्लाइज इस माइनस वाले को प्लस कर लेंगे तो माइनस कॉमन ले लें यहां से, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 40x हो गया माइनस का, और माइनस का 400 हो जाएगा प्लस का इक्वल्स टू 0। अब इसके हम 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 40 आ जाए, तो 22 जा 20 हो जाएंगे 40 और 20 हो जाएगा 400। मल्टीप्लाई करने पर 400 और प्लस करने पर 40, और वैसे ये x माइनस 20 का होल स्क्वायर भी बन रहा है, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस का 400 इक्वल्स टू 0, दोनों जगह से x कॉमन आ जाएगा बचेगा x माइनस 20, और यहां से भी माइनस का 20 कॉमन आ जाएगा बचेगा x माइनस 20। अब x माइनस 20 हमने कॉमन ले लिया तो यहां बचा x, यहां भी बचा माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 20। तो हमारे पास हमने लेंथ को माना था x, तो लेंथ आ जाएगी 20 और ब्रेथ हो जाएगी 40 माइनस x, तो 40 माइनस 20 तो ब्रेथ हो जाएगी 20 मीटर। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।